अस्सलाम वालेकुम जी। जूम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शब्बीर। अगस्त का महीना शुरू होते ही हर बच्चे के हाथ में आप ये बाजा देखेंगे। सर उस वक्त बाजे बुजुर्गों ने नहीं बजाए थे, बल्कि जब पाकिस्तान बना था ना तो उन लोगों ने हमारे बजाए थे। और इस साल तो एक अजीब सी चीज है, वो भी मार्केट के अंदर आई हुई है, क्लैकर्स। वो अब हर बच्चा खरीद रहा है। आटे से झंडियां लगाने वाले बच्चे जवान हो गए हैं या अब वो बच्चे अभी भी हैं? हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, डेयरी भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल भाई जान? गरम है अल्लाह दा। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? ये काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए। कभी ऐसा हुआ हो कि बाजे ना फरोख्त हुए हो और झंडियाँ फरोख्त हुई हो या झंडे फरोख्त? ये तो तकरीबन 4-5 साल से ज्यादा सेल हो रहे हैं, पहले तो नहीं होते थे। कितने का है ये एक बाजा? ये तकरीबन 250-300 का एक है। तो अगर एक झंडी पैकेट की बात की जाए तो वो कितने का? अगर पैकेट आप लोगों तो 50 रुपए से लेकर तो 300 का वो बंडल आ जाता है। और एक दरख्त कितने का है? दरख्त 50 रुपए का आ जाएगा वो दरख्त। क्या देखते हैं लोग ये बाजा और जो क्लैकर्स इस वक्त चल रहे हैं और झंडियाँ वगैरह, दरख्त क्यों नहीं लगा रहे? ये बाजे लोगों को तंग क्यों करते हैं? चाहिए तो यही है कि हम शजरकारी करें, लेकिन ये हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही। क्या रुझान है इस वक्त? सबसे ज्यादा चीज कौन सी फरोख्त हो रही है? बाजे और क्रैकरी हो रहे हैं जी। ज्यादा क्लैकर्स हो रही हैं, बाजे हो रही हैं? क्लैकर्स ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। इसका क्या फायदा क्या है? हालांकि इससे चोट भी लग जाएगी। बिजी है क्या है? हम तो इसलिए लेकर भी नहीं आए। नाज़रीन शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है भाई जनाब? राशिद नाम है जी मेरा। अच्छा राशिद भाई मुझे बताइएगा कि ये बाजा है, ये आपके हाथ में क्लैकर्स हैं। 14 अगस्त 1947 को जब आज़ादी पाकिस्तान हमें मिली है तो कौन से ये बाजे हमारे बुजुर्गों ने बजाए थे कि हमें मिल गई आज़ादी मिली? सर उस वक्त बाजे बुजुर्गों ने नहीं बजाए थे, बल्कि जब पाकिस्तान बना था ना तो उन लोगों ने हमारे बजाए थे। इतने लोग थे हमारे, बड़े थे, शोहदा थे, हम कुर्बानियां दी हैं तब जाके पाकिस्तान बना था। बाजे नहीं बने थे उस वक्त, तो किसी का बाप उधर रह गया, किसी की बहन रह गई, माँ रह गई, पूरे का पूरा खानदान वहाँ पे रह गया। उन लोगों से पूछे आज भी लोग जब वो अपने देश की बात करते हैं ना तो उनकी आंखों से पानी आ जाता है किस तरह ये पाकिस्तान बना था। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है इस वक्त पता नहीं वो किस चीज़ में, एक ये देख लें, ये इस बार पहले तो ये बाजे थे, अब ये टक टक भी शुरू हो गया, मुझे तो इसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं इसे। और इसका इतना रुझान है हर घर में, मेरे भी घर में दो अभी आ गए हैं। हालांकि इससे चोट भी लगती है। हाँ चोट भी लगती है, लेकिन हम लगे हैं, क्या कर सकते हैं जी। हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ निकाली जाती है बस। हम जब बचपन में थे आटे से झंडियाँ लगाते थे, अपने घर में फ्लैग लगाते थे। इस वक्त मैं पूरी मार्केट में देख रहा हूँ, कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर फ्लैग नहीं है। इसकी क्या वजह है? लोग क्यों इस तरफ से हट रहे हैं? सर आप तो मार्केट का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप पूरा चन्नू मियाँ चन्नू में खड़े ना, हम पूरा सिटी सर्वे कर लें, शायद ही सैकड़ों में भी ज़्यादा हो गया, शायद कोई 20-30 घर होंगे जहाँ पर ये लगा होगा। पूरा सिटी देख लें, किसी के भी नहीं है। वजह यही है जी, सियासी पार्टियों ने जो इख्तलाफात पैदा किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, एक नफरत पैदा कर दी है, वो सारी जमातें हैं, इसमें कोई एक नहीं है कह दें जी एक ने किया, सारे ने किया। जब वो इख्तदार में आते हैं तो वो कहते हैं जी ठीक है, जैसे ही जाते हैं वो पाकिस्तान को भी बुरा बना देते हैं, इस मुल्क को भी, इसके रहने वालों को भी बुरा बना के खुद निकल जाते हैं और हम फिर वहीं पे जलील। पाकिस्तान का तो इसमें कोई कसूर नहीं, ये तो हमारा वतन है जी। जी इसको पाकिस्तान का तो चाहिए था हमें संवारना, जिस तरह हमारे बड़ों ने संवारा है इसे, इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने पहले बताया 20-25 लोग हमने मरवाए हैं यार, तब जाके ये बना है। लेकिन आज पूछ लो किसी से, 20-25 लाख बिल्कुल, आज पूछ लो किसी से, पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को नहीं पता, वजह ये है कि हम उनको सिखाते ही नहीं है, तालीम नहीं देते। हालांकि अगस्त में हमें चाहिए हम उनको बताएं भाई पाकिस्तान इस तरह बना है, छोटी छोटी कोई मूवी दिखाएं, कोई वीडियो क्लिप दिखाएं, वो बड़ों की कुर्बानियां दिखाएं। हम इन चीजों से दूर होके बाइक पे बिठाते हैं, मैं सही बात कर रहा हूं, बाइक पे बिठाते हैं बच्चों को लेके आके, एक को बाजा ले दिया, दूसरे का मैंने ये लेना है और तीसरे ने जो इस तरह की कोई और हरकत करनी है वो करेंगे और आराम से अपने घर चले जाएंगे। ये पाकिस्तान से नफरत का जो तरीका है ये हम खुद ही बच्चों के अंदर अपना रहे हैं। देखें जी नफरत ही होगी जब आप बाजे बजाएंगे, मेरे पास खड़ा होकर अभी कोई बाजा बजाए तो मुझे गुस्सा आएगा ना, आपने तो थप्पड़ मारा, हाँ गुस्सा आएगा। तो ये एक नफरत का बीज जो है बो दिया गया है और इसी तरह है, लोग बजा रहे हैं और एक दूसरे, बल्कि वो कहते हैं यार ये क्या ड्रामा शुरू हो गया अभी, रोज हर दफा हर 14 अगस्त पे कोई ना कोई नया काम शुरू होता है। राशिद भाई लोग ये 250 का बाजा ले रहे हैं, भाई ने बताया कि 50 रुपए का दरख्त आ रहा है वो नहीं लगा रहे, शजरकारी के हवाले से क्या कहें जी? बिल्कुल ये बड़ा अच्छा पैगाम है, इसे मैं बता दूं कि पिछले साल, उससे पिछले साल हम लोगों
उन्होंने, मेरे साथ सारे दोस्त थे, हमने ये बाजे शाजे हम तो खैर नहीं बजाते, लेकिन हमने दरख्त लगाए थे, हमने पैगाम दिए थे। आज यहाँ पर एक बेल्ट है बड़ा बाईपास तक, वो सारा शजरकारी जो थी वो हम सब दोस्तों ने की थी, और 14 अगस्त पे लोगों को पैगाम दिया था यार पाँ पी से बेहतर है आप यहाँ पे दरख्त लगाएं ताकि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो सुकून से रह सकें। तो यही पैगाम है, अब भी दरख्त ही लगाने चाहिए। पाँ ना करें, छाँ करें। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे। ये लोगों को तंग करने का तरीका है, ना कि जश्न आज़ादी मनाने का। पाकिस्तान के साथ अगर आपको मोहब्बत है, इस वक्त गर्मी की जो शिद्दत है, तो आप अपने नाम का, अपने बुजुर्गों के नाम का कम से कम एक दरख्त जरूर लगाएं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।